सो हे गाइज, दिस इज अनविज ओपी। और गाइज, आज की इस वाली वीडियो में हम देखने वाले गाइज एक और सोलो मिरामार रैंक पुशिंग गेम प्ले। और गाइज, कल भाई बहुत स्ट्रांग न्यूज़ आ रही थी कि भाई पबजी मोबाइल इंडियन वर्जन आने वाला है। तो भाई पूरा दिन मैं वेट करता रहा, बहुत सारी वीडियोज़ देखी, और एट दी एंड भाई पबजी मोबाइल आया ही नहीं। शाम के टाइम पर भाई एकदम निराश हो चुका था मैं, और भाई गेम तो खेले ही नहीं, इसलिए गाइज आज इंट्रो भी नहीं है शुरू में, बस डायरेक्टली गेम स्टार्ट हुआ है। बाकी गाइज आज बोल रहे कि भाई पबजी मोबाइल आएगा, देखते गाइज आज क्या होता है। पबजी मोबाइल .in की साइट गाइज सुबह के टाइम पे क्रैश हो चुकी है, वहाँ पे बहुत सारे विजिट्स हुए हैं शायद से, इसलिए वो क्रैश हुई है, वो ओपन नहीं हो रही है। देखते गाइज, वहाँ पे एक इमेज आपने देखी होगी, वो इमेज बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, वो सभी यूट्यूबर्स उसी इमेज के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ बना रहे हैं। देखते गाइज आज शाम तक अगर गेम मिलता है तो भाई बहुत अच्छी बात होगी, आज भी वेट करेंगे। बाकी अभी के लिए गाइज हम थोड़ा गेम प्ले की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं उतर गया था अपनी एज़ यूजुअल सैन मार्टिन पे। यहाँ पे आपने देखा होगा कि बंदे कितने सारे उतरे थे यहाँ पे, जब तक मैं लूट कंप्लीट कर लेता होगा तब तक काफ़ी सारे बंदे मर चुके थे। उसके बाद मुझे एक बॉट मिलता है, इस बॉट को मारने के बाद मैं सिटी के अंदर जाता हूँ, और सिटी के अंदर से मुझे एक तरफ से फायरिंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और यहाँ पे एक बंदा क्रेट लूट रहा था, और यहाँ पे मैं उसके ऊपर थोड़ा बहुत फायरिंग करता हूँ, बट इतनी फायरिंग काफ़ी नहीं थी, बंदा कवर के अंदर चला जाता है। उसके बाद मैंने उसका पीछा किया, वहाँ पे जाते ही मैंने एक नेड कर दिया यहाँ से, सोचा कि नेड से अगर वहाँ पे टीपीपी ले रहा हो बंदा तो बंदा मारा जाएगा, बट बंदा स्मार्ट था, वो अंदर चला जाता है। तो गाइस यहाँ पे अभी मैं रश कर देता हूँ इस वाले बंदे के ऊपर, बंदा अंदर के साइड था गाइस, अंदर जो रूम दिखाई दे रहा अंदर के साइड था, तो मैंने वहाँ पे नेड ट्राई किए और फ्री फायर भी दिया 2-3 बार, वो सब कट कर दिया मैंने, वो दिखाया नहीं। अभी जहाँ पे मैं एक मेन रश करता हूँ छत के ऊपर, यहाँ से मैं चला जाता हूँ, और वहाँ से फिर देखना कैसे उसके साथ मैं फाइट लूँगा। वो जहाँ से हमें एक्सपेक्ट करता है गाइस वहाँ से हमें जाना नहीं है, क्योंकि वहाँ से उसे एडवांटेज मिलेगा, इसलिए दूसरा कोई एंगल निकालो और दूसरी तरफ से उसे मारने की कोशिश करो। तो यहाँ पर मैंने सोचा छत के ऊपर से मैं उस साइड जंप लगाऊँगा, तो गाइस वो जहाँ से मुझे एक्सपेक्ट कर रहा था मैं वहाँ से नहीं गया, मतलब कि मैं दूसरा एंगल निकालता हूँ और उसे सरप्राइज मिलता है, और उसने डैमेज खाया, डैमेज 2 बार दिया उसी से, उसके बाद एक एम शूट करके इजीली उसको फिनिश कर दिया। तो गाइस आप भी ऐसा ही ट्राई करो, डायरेक्टली फाइट मत लो, वो जो एक्सपेक्ट करेगा वो नहीं करना है, आपको कुछ अलग करना है, ठीक है, मतलब उसको सरप्राइज मिलेगा और वो मारा जाएगा। उसके बाद यहाँ से मैं सीधा निकल जाता हूँ गाइस ड्रॉप पे मुझे मिल जाती है MK14, और घिली सूट गाइस मुझे इवन इरेंगल में भी ज़्यादा पसंद है, बट इरेंगल में कैसा है कि घास के अंदर तुम लेटा लेटी कर सकते हो वहाँ पे, तो वहाँ पे काम में आती, बट मिरामार में मैं बिल्कुल भी ये नहीं पहनता, गिली सूट नहीं पहनता, उल्टा उससे मैं ज़्यादा मोटा दिखता हूँ इसलिए मैं नहीं पहनता वो। बाकी गाइज अभी यहाँ पे देखना, एक बंदा मेरे सामने से निकल गया था, अभी मैं उसका पीछा करने के लिए फिर से बग्गे में बैठ जाता हूँ कि तभी, तो गाइज यहाँ पे मेरे ऊपर फायरिंग आती है मेरे एग्जैक्टली पीछे से, मतलब कि मेरे पीछे थी वो सबसे बड़ी टावर बोलो या फिर बड़ी सीमेंट्री बोलो, लॉस लियोनिस की सबसे बड़ी बिल्डिंग बोलो उसको, ठीक है, तो वहाँ से फायरिंग आई थी, और मुझे यहाँ पे अंदाज़ा लग गया कि बंदा ऊपर से कहीं से उसने एंगल निकाला और मेरे ऊपर उसने फायर लिया। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एटेक्स था, एटेक्स से मैंने एक बार स्कोप ओपन किया, और बंदा मुझे एग्जैक्टली वहीं पर दिखाई देता है जहाँ पर मैं उसे एक्सपेक्ट करता हूँ। देखना गाइज यहाँ पर अभी, तो बंदे ने काफ़ी संस्कारी नाम रखा था, और ये बंदा गाइस किसी और बंदे के ऊपर एम कर रहा था, और ये दूसरा बंदा भी मेरे को यहाँ पे स्पॉट होता है, और इसको भी मैंने इजीली निपटा दिया, दोनों को गाइस एक एक हेडशॉट लगाए, मतलब दो हेडशॉट लगाए, और दोनों भी बंदे इजीली फिनिश हो गए। और यही होता है गाइस कि अगर आपको लॉस लियोनिस, सैन मार्टिन, पेकाडो की सिटी के बारे में पता हो सब कुछ, तो भाई तुमको ये भी पता होता है कि बंदे कहाँ पे बैठते हैं, बंदे कहाँ पे काम करते हैं। तो गाइस ये दो गेम्स पसंद है तो गाइस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, और यहाँ पे देखना गाइस अभी, तो गाइज यहाँ पे मैं जल्दबाजी में उतरने की कोशिश करता हूँ, और बग्गी मेरे को खींचती हुए लेके चली जाती है, और मेरी पूरी हेल्थ ख़त्म कर देती है, और थोड़ी हेल्थ ख़त्म हो जाती तो भाई पूरा यहाँ पे गेम ख़त्म हो जाता, और लकीली मैं यहाँ पे बच जाता हूँ, हीलिंग कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं सीधा निकल जाता हूँ आगे की साइड। मैंने बोला पीछे वाला बंदा अभी रेडी हो जाएगा मेरे लिए, इवन वो बंदा कुछ फायरिंग करता भी है मेरे ऊपर, बट मैं काफ़ी दूर चला गया था, और यहाँ से मैं आ जाता हूँ इस वाले कंपाउंड पर, और यहाँ पर आते गए मुझे एक बंदे के आ जाते हैं फुट स्टेप, और यहाँ पर देखना इस बंदे के साथ हमारी फ़ाइट कैसी होगी। और गाइज मैं एक बार आपको ये बता दूं कि भाई अगर आप मिरामार खेलने की सोच रहे हो या फिर मिरामार में रैंक पुशिंग करने की सोच रहे हो,
दो चीज़ों का आपका ख्याल रखना पड़ेगा गाइज, एक तो हाई किल्स और दूसरा टॉप थ्री कन्फर्म गाइज। आपको टॉप थ्री आना ही पड़ेगा, अगर आप टॉप थ्री नहीं आते हो तो आपका प्लस नहीं होगा गाइज, ठीक है। और किल्स भी चाहिए गाइज, आप कैम करके टॉप थ्री आओगे आपको प्लस नहीं मिलने वाला, आपको कम से कम बोल रहा हूँ 7+ किल्स आपके पास चाहिए, तभी जाके आपको मिरामार प्लस देगा। इरांगल में कैसा होता है कि आपको बस टॉप 20 टॉप 15 भी 0 या फिर 1-2 किल्स के साथ आओगे तो भी आपको इरांगल प्लस दे देता है, इसीलिए इरांगल में रैंक पुशिंग सबके सब प्रीफर करते हैं। बट मिरामार में कैसा है कि आपको हाई किल्स लेने पड़ेंगे तब जाके मिरामार प्लस देता है। तो गाइज यहाँ पे अभी ये बंदे के फुटस्टेप आ रहे थे, मैं नेट वगैरह ट्राई कर रहा था, नेट से कुछ खास काम नहीं आया, तो मैंने सोचा भाई अपने पास एम के अपन क्लोज रेंज फाइट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस बंदा फाइनल मेरे ऊपर रश कर देता है, उसने भाई मेरे को हेड पे मारा गाइस, मेरा हेड देखो। एकदम से उसने मेरे हेड पे गोली मारी थी, इसलिए मेरी हेल्थ काफ़ी चली गई, बट मेरे पास एमके थी इसलिए मैं बच गया। उसके बाद मुझे दूर से दो बंदों की फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी थी, उसमें से एक बंदा मेरे को स्पॉट हुआ था, बट उसके ऊपर थोड़ा बहुत डैमेज दिया, बंदे का क्या हुआ पता नहीं। फिर यहाँ से मैं निकल गया, यहाँ से मैं सीधा गाइस लॉस लियोनिस सिटी में आ गया था। तो गाइस यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए पोजीशन होल्ड करता हूँ, उसके बाद जोन आता है, स्मोक्स वगैरह करके बग्गी निकाल के मैं आगे का रोटेशन करना स्टार्ट कर देता हूँ। पीछे की तरफ एक बंदा था जिसके फुसते वाले थे, बट मुझे यहाँ पे कोई फाइट नहीं लेनी थी क्योंकि ऊपर के साइड भी बंदे थे। तो यहाँ पे देखना गाइस अभी एक बंदा मुझे स्पॉट होता है यहाँ पे। तो गाइस इस वाले बंदे को तो काफ़ी ईजिली निपटा दिया, बंदे को थोड़ा भी मौका मैंने दिया नहीं, उसको लगा कि मैं उतरूंगा नहीं, मैं जल्दी से उतर गया, उसके ऊपर एम किया, उसको फिनिश कर दिया। उसके बाद बग्गी लेके मैं यहाँ से निकल जाता हूँ आगे की साइड, तो बग्गी को मैंने पीछे छोड़ दिया, मुझे लगा कि भाई कोई बंदा होगा तो भाई मेरी बग्गी का साउंड सुन के वो मेरी तरफ एम कर सकता है या फिर मेरी तरफ से वो अच्छा एंगल निकाल के बैठ सकता है, इसलिए मैंने बग्गी छोड़ दी वहीं पर और मैं सामने की तरफ बढ़ने लगा। यहाँ पे बूस्ट अप वगैरह कर लेता हूँ। यहाँ पे अभी टोटल हम 5 बंदे अलग थे, उसमें से एक बंदा थोड़ी देर में मारा जाएगा, टोटल अभी 4 ही बंदे बचेंगे। और यहाँ पे देखना गाइस अभी मुझे एक बंदा स्पॉट होता है सामने की तरफ, और ये बंदे के साथ मेरी फ़ाइट बाद में होगी, ये बंदा मेरी तरफ आएगा और इसके साथ मेरी फ़ाइट ज़रूर होगी गाइस। तो गाइस यहाँ पे मुझे लग रहा था कि ऊपर के साइड कोई बंदा हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा पीछे ही रुक जाता हूँ, यहाँ पे मैं पोजीशन होल्ड करता हूँ। तभी मुझे फुटस्टेप आते एक बंदे के और वो बंदा मेरे क्लोज आ जाता है, तभी मैंने सोचा कि एक हाथ नेड हम करते हैं इसके ऊपर, जहाँ से मुझे फुटस्टेप आ रहे थे वहाँ पर मैं एक नेड करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे देखना। तो गाइस यहाँ पे लास्ट बुलेट पे बंदा मारा जाता है, उसके पास भी गाइस ग्रोजा थी, अगर भाई गोली मैं मिस कर देता तो भाई वो बंदा भी मेरे को मार सकता था। अभी मेरे को पता था कि लास्ट बंदा कहाँ पे, लास्ट बंदा था गाइस नीचे की साइड, क्योंकि उसने जब 4 बंदे आ रहे थे गाइस तब एक बंदे को उसने मारा था, तब मेरे को पता चल गया था कि वो बंदा नीचे की साइड है, उसका फायरिंग का मतलब वो डिस्टेंस समझ में आ गया था, उससे मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि बंदा नीचे की साइड है। तो मैंने यहाँ पर नेड वगैरह ट्राई करना स्टार्ट कर दिया और वो बंदा भी नेड कर रहा था, इसलिए मैंने बोला कि भाई नहीं अपन थोड़ा आराम से फाइट लेते हैं, क्योंकि अपने पास पूरा एडवांटेज है, अपन पूरा हायर रिस्क पे हैं। तो मैं वेट करता हूँ, 1-2 जोन निकल जाते हैं और आराम से मैं वेट करता हूँ, उसके बाद मुझे एक एंगल मिलता है और देखना गाइस क्या होता है। तो गाइस यहाँ पे एक इजी चिकन डिनर, पूरा सिचुएशन मेरे कंट्रोल में था तो मैं इजीली यहाँ पे जीत गया। बंदे का हेड दिखाई दे रहा था, बंदा बाहर आता है फ्री फायर में आ जाता है और वो बंदा इजीली मारा जाता है। तो गाइस ये वाला चिकन डिनर पसंद आया तो गाइस वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, चैनल पे जो भी नया भाई सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दो, और भाई कल तक गाइस जब तक नया वीडियो आएगा मेरा तब तक यार पबजी मोबाइल इंडियन वर्जन सबके मोबाइल में आ जाए भाई, यही होप करूँगा। अभी गाइस लेटेस्ट एक ट्वीट आया है पबजी मोबाइल ऑफिशियल इंडिया का ट्विटर पे, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि काउंट डाउन बिगिंस, मतलब कि टाइम स्टार्ट हो चुका है, पबजी मोबाइल कभी भी आ सकता है ऐसा बोल के। देखते गाइज कब आएगा क्या नहीं पता नहीं, बट बस वेट करेंगे। और गाइज बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।